हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। दिस इज़ विष्णुदत्त शर्मा और मैं आज आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ये है हमारा 2019 के टेनिस के जो सभी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, टूर्नामेंट्स जो होते हैं उनके बारे में है ये। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ईयर में। ओके, सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो टोटल कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो ये होते हैं 4। और इनका ऑर्डर क्या होता है जो ये खेले जाते हैं, ये टेनिस खेल के ग्रैंड स्लैम्स हैं टूर्नामेंट्स, और ये किस ऑर्डर में खेले जाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन और यूएस ओपन लास्ट में खेला जाता है। तो ये ऑर्डर है, ये भी एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के थर्ड नंबर पे कौन सा हुआ, विंबलडन ओपन। ओके, तो इस तरह से इनका क्रम भी हमें याद रखना होगा। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट। ओके, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम होता है वो साल का वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ओके, ये जनवरी 2019 में, जो 2019 के देख रहे हैं अब हम, तो ये जनवरी के महीने में खेला जाता है और इस साल जनवरी 2019 में खेला गया है। सॉरी, ये गलत लिखा गया, 2019 में। और ये कहाँ पे खेला जाता है, ये होता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। और ये एक ऐसे कोर्ट पे, खेल का मैदान कैसा होता है, हार्ड कोर्ट, सबसे जो सख्त कोर्ट होता है उस पर खेला जाता है। इस साल जो 2019 में जो ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मेनली मेल सिंगल्स कैटेगरी, जो पुरुष एकल वर्ग है उसमें ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, तो ये विनर है हमारे नोवाक जोकोविक, जो कि उनका देश भी हमें याद करना होगा, ये भी पूछ लिया जाता है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं ये। ओके, फिर फीमेल सिंगल्स कैटेगरी, जो महिला एकल वर्ग है उसमें विनर कौन रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन का, नाओमी ओसाका, जो कि जापान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद कौन सा खेला जाता है, फ्रेंच ओपन, तो ये क्या है, सेकंड ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर, दूसरे नंबर का ग्रैंड स्लैम है ये। प्लेड इन मई और जून 2019 में ये खेला गया था। ओके, प्लेड एट पेरिस है जो फ्रांस की राजधानी है, उसमें ये खेला जाता है। और ये कैसे कोर्ट पर खेला जाता है, कले कोर्ट, जो मिट्टी वाला कोर्ट होता है मुलायम, उस पर खेला जाता है। और एक इसमें मेन क्वेश्चन क्या है, सेकंड नेम इस जो टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन, इसको हम रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, इसका ये दूसरा नाम है। तो 2019 में विनर देखते हैं मेल सिंगल्स कैटेगरी, पुरुष एकल वर्ग में कौन विनर रहा इसके, राफेल नडाल, जो कि स्पेन देश से बिलोंग करते हैं, स्पेन कंट्री से। ओके, फीमेल सिंगल्स कैटेगरी में विनर रहे एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट, ये था विंबलडन ओपन टूर्नामेंट, जो कि थर्ड ग्रैंड स्लैम है, जो साल में तीसरे नंबर पर खेला जाता है। ओके, ये जुलाई 2019 में खेला गया था, और ये कहाँ पे खेला जाता है, लंदन यूके, जो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, उसमें खेला जाता है। ये कैसे कोर्ट पे, ये ग्रास कोर्ट, जो घास का मैदान होता है, घास वाला कोर्ट, उस पे खेला जाता है ये विंबलडन। ओके, तो 2019 के विनर्स देखते हैं मेल सिंगल्स कैटेगरी, जो पुरुष एकल वर्ग है उसमें ये जीता है नोवाक जोकोविक जी ने, जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ओके, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है 2019 में। ओके, तो याद रखेंगे विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों नोवाक जोकोविक जी ने जीते हैं। ओके, सेकंड जो देखते हैं फीमेल सिंगल्स कैटेगरी, जो महिला एकल वर्ग में है, जो विंबलडन के चैंपियन कौन रहे हैं, सिमोना हलेप जी, जो कि रोमानिया से बिलोंग करती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब आखिरी टूर्नामेंट कौन सा होता है साल का, यूएस ओपन टूर्नामेंट। ओके, तो ये लास्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर, सबसे आखिरी जो ग्रैंड स्लैम होता है, ये कौन से महीने में खेला जाता है, अगस्त और सितंबर 2019 में खेला गया था। ये कहाँ पे खेला जाता है, न्यूयॉर्क यूएसए में, और ये कैसे कोर्ट पे, ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ओके, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और यूएस ओपन भी। ओके, अब देखते हैं इसमें विनर कौन रहा मेल सिंगल्स कैटेगरी में, जो कि
पुरुष एकल वर्ग है उसमें कौन रहा, राफेल नडाल, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। ओके, और इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है 2019 में, तो फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन के विनर हैं राफेल नडाल। फीमेल कैटेगरी में देखते हैं, फीमेल सिंगल्स कैटेगरी में बियंका एंड्रुस्कू, जो कि कनाडा की प्लेयर हैं। ओके, कनाडा से बिलोंग करती हैं। तो ये महिला एकल वर्ग में बियंका एंड्रुस्कू ने जीता। ओके, तो ये हमने जो मेन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो चार ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, जिनसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में फीमेल कैटेगरी का विनर पूछ लिया जाता है, किसी में इनसे कब होते हैं या ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो ये हमें एक बार ध्यान से देखने होंगे और ये उनको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलना है इनसे। ओके, थैंक यू। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, तो अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं और टॉपिक्स के साथ। ओके, तो थैंक्स।